अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज हम आए हैं क्यों बाहर, आपको पता ही है ऑलरेडी, आपने थंबनेल में मेरे देख लिया होगा। आज हम आए हैं अपने निकाह का डिनर करने। मेरा निकाह हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ तो हम उसका सेलिब्रेशन तो नहीं कह सकते, बस हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, डिनर करने के लिए बाहर आ गए। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए थे मेरी फेवरेट जगह। मैं यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी मेरे रिकमेंडेशन पे ज़रूर आइएगा। ये हम आए हैं शातिर। शातिर की सबसे ज़्यादा फेमस है जो हम मंगाएंगे वो। और ये देखें यहाँ पे सिटिंग एरिया इतना ज़्यादा है। हम रात में आए थे और काफ़ी मतलब रश तो नहीं था, खाली था, क्योंकि ये वीकेंड था। वीकेंड तो नहीं था, वर्किंग डे ही चल रहे थे। और ये देखिए ये इनका मेन्यू है, इस तरीके से इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। पर हम जो स्टार्ट से खा रहे हैं वो हम खा रहे हैं ब्लैक पेपर चारकोल। इनकी ग्रीन पेपर और रेड पेपर भी अच्छी है, बट अगर आप मेरे रेकमेंड पर टेस्ट करना चाहें तो ब्लैक पेपर ही ट्राई कीजिएगा। क्योंकि हम हमेशा से, आज हमको 7 से 8 साल हो चुके हैं खाते खाते इसको, बट लिटरली इसका टेस्ट वैसी का वैसी। और ये एक वाहिद चीज़ है जो मुझे यहाँ आने के बाद स्टार्ट में पसंद आई थी, और इसके अलावा तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें पसंद नहीं आई थी। चले इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये देखिए चिकन पेपर स्पेशल ये है। ये 24 की आई थिंक हाफ होती है और 45 की फुल होती है। तो वैसे तो उसको फुल ही मंगवाना चाहिए, क्योंकि लिटरली भूख इतनी लगती है जब ये वेट नहीं होता। और इनके पास ये सैलड सबसे पहले इन्होंने ला के दिया, और ये हुमस उन्होंने ला के दिया। हुमस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता है, ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मज़े का होता है। और ये है सूप गर्मा गर्म। जब तक हमारी चारकोल आती है हम सूप करते हैं इंजॉय, और हमारा सूप बहुत ही यमी यमी सा लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा इनका सूप ना स्पाइसी सा होता है, लेकिन कोई नहीं, जब तक गुजारा करने के लिए हम ये भी खा सक पी सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। और मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि मेरी निकी को माशाल्लाह से कितने साल हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला सब जोड़ों में मोहब्बतें हमेशा कायम दायम रखे। और ये आ गया है हमारा खुबस जो हम खाएंगे मज़े ले लेकर अपने चारकोल के साथ। और ये मैं सूप पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं सूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो पीना चाहिए, वरना वो ही पी लेते हैं हमेशा। मेरा, आपको पता है ना, वाइफ का तो यही होता है कि कोई भी चीज़ बचा दे तो उनके हस्बैंड बेचारे खा लेते हैं, पसंद नहीं आती या कोई चीज़ समझ में ना आए। और ये हम सूप कर रहे हैं इंजॉय, और ये देखें सैलेड भी इंजॉय करें, क्योंकि हम लोग को लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो और आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप बताइए कि आप लोग अपनी एनिवर्सरी, निका एनिवर्सरी या बर्थडे आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बाहर तो ना ही कोई फैमिली है ना ही कोई रिश्तेदार, तो इस वजह से बस इस तरीके से ही बंदा डिनर कर ले, या कहीं घूमने चला जाए, कहीं आउटिंग पर चला जाए, या तो फिर कहीं घर पर सेलिब्रेशन कर ले। बट दो अफराद में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता सेलिब्रेशन का, तो इस वजह से ज़्यादातर हम लोग का ऐसे ही होता है कि बाहर डिनर कर दिया। और ये ले जी, जिसका था इंतज़ार वो इंतज़ार हुआ ख़त्म। और लिटरली ये वीडियो वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में फिर से बहुत तेज़ पानी आ रहा है, और मेरा बहुत ज़्यादा खाने को दिल चाह रहा है। ये देखिए ये है इसकी रियल शक्ल, और लिटरली मसाला ऐसे चिपका होता है ना इसके ऊपर, कड़क कड़क और तेज़ तेज़ कि मैं क्या बोलूँ यार। बस यार एक बार जाके ट्राई करो। और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करते हुए और मुझे पहला निराला खिलाते हुए क्योंकि लाजिम सी बात है, हमारे इस्लाम में भी ऐसा है कि फर्स्ट जो निवाला है वो पहले अपनी बीवी को खिलाना चाहिए, सुन्नत है। तो ये देखें ये मैं मसाला खाते हुए, क्योंकि मुझे चटपटी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, हम लोग अपना डिनर इन्जॉय कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा रखे ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। जाते जाते कावा ज़रूर पीजिएगा अगर आप लोग आए यहाँ पर शादी पर। और ये हमने अपना खाना पैक करवाया। बाय बाय।